विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है और डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव ओनली थ्री न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर एंड ऑल दिस थ्री आर वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल लेवल। 14.1 अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, कौन सा? सिलिकॉन। अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 410^28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। गिवन Ni इक्वल टू 1.2 × 10^16 पर मीटर क्यूब। तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 410^28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डोप बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स दिया है, होस्ट मटेरियल। होस्ट मटेरियल कौन था? सिलिकॉन था। उसका नंबर कितना है टोटल? 4 × 10^28 पर मीटर क्यूब। इट इज डोप बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। 1 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 part per million। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर हर 1 million सिलिकॉन एटम के लिए एक एंटीमनी का एटम है। 1 part per million मतलब हर 1 million सिलिकॉन एटम में एक ही इम्प्योरिटी है, राइट? तो नंबर नंबर ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी को डिनोट करते हो Sb से। तो नंबर ऑफ एंटीमनी एटम्स, Sb एटम्स, इसको कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा। मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ होस्ट मटेरियल सिलिकॉन 410^28 पर मीटर क्यूब है। इम्प्योरिटी 1 ppm है। 1 part per million मतलब हर 1 million सिलिकॉन के लिए एक ही एंटीमनी। तो टोटल एंटीमनी के एटम्स कितने हो जाएंगे? ना आपके घर में बोलते होंगे ना, मेरा बच्चा हजारों में एक है, तो फिर 2,000 में कितने हो गए? 2 हो गए। 3,000 में कितने हो गए? 3 हो गए। 4,000 में कितने हो गए? 5,000 में कितने हो गए? 6,000 में कितने हो गए? 6। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? डिवाइड कर रहे हो। 1,000 by 1, 2,000 by 2, 3,000 by 3, ऐसे ही कर रहे हो ना। तो तुमको ये समझना है, लिसन, अगर टोटल प्योर प्योर मतलब बेस होस्ट होस्ट कितना है? 410^28। 410^28 ये है होस्ट। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी 1 part per million होना मतलब होस्ट का 1 million और इम्प्योरिटी का 1, मतलब होस्ट का नंबर को मिलियन से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, 10 में 1 मतलब 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6, 70 में 7, 80 में 8। क्या कर क्या रहे हो तुम? डिवाइड कर रहे हो, राइट? तो टोटल नंबर को डिवाइड कर रहे हो। सिलिकॉन का नंबर आपके पास है, ये होस्ट है। होस्ट के 1 million के अगेंस्ट में इम्प्योरिटी सिर्फ 1 है, 1 million। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट डिवाइड बाय मिलियन, व्हाट इज मिलियन? 10^6। तो मिल गया एंटीमनी का नंबर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 10^28 / 10^6। तो कितना आ गया? 4 × 10^22। अब क्यों चाहिए ये? अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब Ne, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ होल्स मतलब NH। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक मतलब जब तक आप इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया था प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। क्योंकि Ne NH दोनों सेम है तो हम उसको क्या लिख देते हैं? Ni। तो जब तक सेमीकंडक्टर प्योर था तब तक Ni कितना है? 1.2 × 10^16 पर मीटर क्यूब।
तो यहां तक पहले समझ में आया क्या? होस्ट के एटम्स कितने हैं? 4 × 10^28। गेस्ट मतलब पैरासाइट मतलब इम्प्योरिटी मतलब डोपेंट को कितने हैं? होस्ट डिवाइडेड बाय मिलियन, क्योंकि हर एक मिलियन में एक ही है। फॉर 1 मिलियन एटम्स ऑफ होस्ट यू हैव 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट एटम्स डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो मिल गया टोटल नंबर ऑफ इम्प्योरिटी। क्यों फाइंड करना है ये इसलिए फाइंड करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको Ne और NH चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? Ne into NH equal to Ni square। अब Ni तो पता है, लेकिन Ne NH दोनों फाइंड करना है, तो सॉल्व हो सकता है कि एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। मतलब आपको कम से कम Ne और NH में से एक और फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो कैसे फाइंड करोगे? नहीं, मुझे लगा तो आप ऐसा ऐसा सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, खत्म, वापस कनेक्ट करो। होस्ट कितने थे? 4 × 10^28। उसमें हमने इम्प्योरिटी डाल दिया, मतलब डोपिंग किया। कितना डोपिंग किया? 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन का सिंपल सा मतलब ये होता है, होस्ट का 1 मिलियन एटम मतलब 10^6 एटम, और इम्प्योरिटी का एक ही एटम। तो मुझे अगर इम्प्योरिटी के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? होस्ट को 1 मिलियन से डिवाइड कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ सिलिकॉन डिवाइड बाई 10^6। देखिए क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एंटीमनी। तो एंटीमनी का कितना हो गया? 4 × 10^22। एंटीमनी कौन से टाइप का इम्प्योरिटी है? ट्राइवेलेंट है कि पेंटावेलेंट है? पेंटावेलेंट है। नॉर्मली क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब तुम डालते हो, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर गए, बचा 1। पेंटावेलेंट में क्या होता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और 1 जो है वो अनपेयर्ड हो जाता है और वो फ्री हो जाता है, मतलब वो कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? कितने आएंगे? 4 × 10^22, क्योंकि हर एक इम्प्योरिटी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। तो फिर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम क्यों निकाला? क्योंकि इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होंगे? जितने इम्प्योरिटी के नंबर है, इम्प्योरिटी आइटम जितने नंबर में है उतने। तो हमने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स क्यों निकाला होगा? द रीजन वॉज दिस, हमको पता है हर एक पेंटावेलेंट एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, तो Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीमनी आइटम्स। तो यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, सिंस Sb मतलब एंटीमनी इज पेंटावेलेंट एंड हेंस इट विल फ्री 1 इलेक्ट्रॉन। Therefore, number of electrons per unit volume is equal to number of antimony atoms. लेकिन number of antimony atoms तो तुमने find कर लिया, 4 × 10^22। तो Ne मिल गया, Ni दिया है, तो क्या find करना है? NH. Therefore, Ne into NH equal to Ni square. Therefore, NH equal to Ni square upon Ne. अब ये जो Ni square है, Ni तो दिया ही है, तो therefore NH equal to Ni square. Ni कितना है? 1.2 × 10^16 का square, 10^16 का square है, 10^16 का square upon Ne कितना आ गया? 4 × 10^22. Then therefore NH equal to 1.2 का स्क्वायर 1.44। मैं एक काम करूंगा, मैं ये 1.2 का पॉइंट हटा दूंगा और इधर क्या लिख दूंगा? 15, बराबर ना? 1.2 इज 12 × 10^-1, तो माइनस 1 उसको दे दोगे तो वहां पे 16 का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना है? 144। ये कितना है? 10^30 है। अपॉन कितना है? 4 × 10^22।
तो नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 10^8 रह जाएगा, 36 36। तो 36 × 10^8 मतलब 3.6 × 10^9 है ना। तो दिस आर द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने कौन सा इंप्योरिटी ऐड किया था? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में मेजोरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होल से ज्यादा आना चाहिए, है। देख लो कितना है, 10^22, 4 × 10^22 है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कितने हैं? 3.6 × 10^9 है, सिर्फ 9। ये 1 बिलियन है और ये बहुत ज्यादा है, 10^22 और 10^9, बिग डिफरेंस। तो ऐसा होना चाहिए था क्योंकि ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी था। तो सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप का बन गया? एन टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। माइनोरिटी कौन होता है? होल। तो बराबर आ गया आंसर, करेक्ट। आई रिपीट वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप करना है। इसमें 3 ही क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चंस है। आपको बोला था हमारे पास जो होस्ट मटेरियल था, मतलब जो सिलिकॉन था, वो था 4 × 10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 4 × 10^28, बराबर। फिर आपको बोला है कि अगर हम इसमें इंप्योरिटी डालते हैं, कौन सा? एंटीमनी। कितना? 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन होस्ट के लिए, 1 मिलियन सिलिकॉन के लिए एक ही एटम होगा इंप्योरिटी का। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट एटम को 1 मिलियन से डिवाइड कर दो, मतलब 4 × 10^28 / 10^6। ये आपको मिल गया 4 × 10^22 और ये है नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम्स, मतलब एंटीमनी एटम्स। और क्योंकि एंटीमनी ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो 5 में से 4 तो वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, 1 रह जाता है अनपेयर्ड, वो जाता है फ्री। तो जितने नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 × 10^22, राइट। अब फाइंड करना था आपको नंबर ऑफ होल्स। Ne into NH is Ni square और Ni की वैल्यू देके रखी है आपको 1.2 × 10^16, तो 12 × 10^15, इसका स्क्वायर 144 × 10^30 डिवाइडेड बाय NH फाइंड करना है, तो Ni square by Ne आएगा। तो 144 × 10^30 डिवाइडेड बाय 4 × 10^22, तो ये आ गया आपका 3.6 × 10^9। 10^9 ये नंबर ऑफ होल्स है, 10^22 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो समझ में आ गया था कि मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स का है और होना भी चाहिए क्योंकि ये एन टाइप सेमी कंडक्टर है। डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे ही उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, पेंटावेलेंट की जगह पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी अगर 1 पार्ट पर मिलियन बोला होगा, मतलब सेम, मतलब 4 × 10^22 सिर्फ वो नंबर ऑफ होल्स होंगे, क्योंकि हर एक ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी एक होल के साथ आता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक शॉर्टेज होता है। तो सिर्फ यहाँ पे NH बन जाएगा 4 × 10^22 और उल्टा हो जाएगा, Ne हो जाएगा 3.6 × 10^9, बस इतना डिफरेंस है अगर वैल्यू सेम है तो। अगला क्वेश्चन, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, हैज इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन 1.5 × 10^16 पर मीटर क्यूब ईच, Ne इक्वल टू NH, डोपिंग बाय इंडियम डिक्रीजेस होल्स टू, सॉरी इंक्रीजेस होल्स टू 4.5 × 10^22 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट Ne फॉर द डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। सिंपल, वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो आपको बोला ये है कि जब तक क्रिस्टल प्योर था तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या थे? सेम थे। और इसको क्या बोलते हो आप? Ni बोलते हो ना। Ne इक्वल टू NH मतलब कौन? Ni। तो ये 1.5 × 10^16 क्या दिया है? ये Ni दिया है, इसे घुमा फिरा के बोला, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया Ne इक्वल टू NH। मतलब आपको हिंट था कि आपको ये जो वैल्यू है वो Ni की वैल्यू लेनी है, क्योंकि Ni तब होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल सेम हो।
राइट, तो पहले केस में था वो 1.5 × 10^16 पर मीटर क्यूब, लेकिन जैसे ही आपने डोपिंग किया, जैसे आपने डोपिंग किया, दिस इज नो मोर ट्रू। अब एन ई इक्वल टू एन एच नहीं है क्योंकि आपने डोपिंग कर दिया। डोपिंग करना मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना या तो होल्स का नंबर बढ़ाना। यहाँ पे डोपिंग डोपिंग किससे किया है? इंडियम से। इंडियम क्या होता है? ट्रायवेलेंट होता है। तो नंबर ऑफ होल्स क्या है? बढ़ गए, कितने हो गए? 4.5 × 10^22। तो नंबर ऑफ होल्स हो गए 4.5 × 10^22 पर मीटर क्यूब। आपको पूछा है व्हाट इज एन ई फॉर डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, तो फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोप्ड क्रिस्टल। तो फॉर्मूला वापस से वही होगा, सिंपल फॉर्मूला है Ne into NH equal to Ni square. So therefore, Ne equal to Ni square by NH. Ni 1.5 × 10^16 square. NH 4.5 × 10^22. 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, लेकिन मैं 1.5 × 1.5 लिख रहा हूँ फॉर सम रीजन, क्योंकि नीचे 4.5 था। 10^16 का स्क्वायर 10^32, नीचे 4.5 था, तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इसके लिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। वन ज़ा एंड ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ा। तो ये हो जाएगा 10^32 और नीचे 10^22 कितना? 10^10। 0.5 × 10^10 मतलब 5 × 10^9 क्या? पर मीटर क्यूब। तो आ गया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। सी ओनली सॉल्विंग इज नॉट आवर पर्पस, ऑफ कोर्स सिर्फ सॉल्व करते रहना से मतलब नहीं है। व्हाट यू मस्ट लर्न इज, पिछला एग्जांपल और ये एग्जांपल देख के क्या समझ में आया आपको? मेजॉरिटी का जो नंबर है वो 10^22 के आसपास है, और माइनॉरिटी का नंबर जो है 10^9 के आसपास है। मतलब अगर जेई नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रफ आइडिया ऑलरेडी है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करते जा रहे हो और आंसर नहीं आ रहा है, तो डो नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि रॉन्ग आंसर टिक करने से बेटर यू शुड कीप दिस इन माइंड। मेजॉरिटी का होता है 10^22 रफली, माइनॉरिटी होता है 10^9। मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस 10^12, 10^13 का होता ही है। 10^22 और 10^9, 10^13 का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यूज आपको काम में आएगी आगे। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, वेरी गुड। रेफर टू फिगर ए, फिगर ए शोन बिलो, and find the resistance between point A and B when an ideal diode is forward biased and the reverse, and in second case it is reverse biased. तो वैसे तो ये question electric current through conductors chapter होने के बाद होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इतना कुछ heavy question नहीं है, मैं बता देता हूँ basic idea। देखो forward bias में क्या होता था, forward bias में positive terminal of the battery is connected to P type, negative terminal is connected to N type, वो ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में यू गेट अ वेरी लार्ज करंट। लार्ज करंट मतलब जैसे अभी हमने बटन चालू कर दिया, स्विच ऑन, तो फॉरवर्ड बायस इज लाइक स्विच ऑन, क्योंकि जब स्विच ऑन करते हो तब करंट पास होता है ना। हमको लाइट चालू करना है, ट्यूबलाइट, क्या करते हैं हम लोग? स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करना मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस करना, ये याद रखना। तो जब स्विच ऑन होता है तो इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब डायोड सर्किट में है, समझ लो। और अगर कोई चीज सर्किट में है तो मोर और लेस रेजिस्टेंस इज लाइक जीरो। क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज करंट फ्लोस। थोड़ा सा ओम्स लॉ का भी बेसिक आपको लगेगा, ओम्स लॉ का बेसिक्स आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? हम आज स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इस स्टेज पे कम से कम ओम्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। V इक्वल टू IR, वेरी गुड, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR, दिस इज व्हाट यू सेड, सही बोल रहे हो। इसमें से आपको क्या समझ में आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको क्या समझा वो इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यू से V इक्वल टू IR,
यू मीन आई इक्वल टू वी बाय आर, यू मीन आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच यू अंडरस्टैंड अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, कितना लो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो मतलब डायोड को तुम फॉरवर्ड बायस कर देते हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस लगभग जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये जो वायर है ना, ये वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब डायोड तुमने हटा भी दिया तो यू कैन शो डायरेक्टली अ स्ट्रेट वायर। तो देखो यहाँ पे डायग्राम, ए डायग्राम में डायोड दिखाया है, बी में नहीं दिखाया है, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, लार्ज करंट फ्लो होता है। लार्ज करंट फ्लो होना मतलब सर्किट कंप्लीट होना, सर्किट कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, है क्या ब्रेक नहीं। तो फॉरवर्ड बायस मतलब ये डायोड हटा दो, सीधा एक वायर दिखा दो, क्लियर। और रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट फ्लो होता है क्या, होता है। मैं ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेकडाउन छोड़ दो, ब्रेकडाउन तो बहुत दूर था, वो तो हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और एक स्टेज पे डैमेज हो गया, तब जाके करंट आया। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वोल्टेजेस, रिवर्स बायस कंडक्ट करता है क्या, नहीं। करंट होता है क्या, नहीं, अब करंट नहीं होता है। तो करंट नहीं होना मतलब करंट कितना होना, जीरो होना। अगर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस कितना है, हाई मतलब कितना है, V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाय आई। करंट का जीरो होने का मतलब रेजिस्टेंस का कितना होना, इनफिनाइट होना। इनफिनाइट का मतलब है कि जो वायर है वो ओपन रह गया। मेरे पास एक सर्किट था, मेरे पास एक सर्किट था, उस सर्किट में मेरे पास एक वायर था, उस वायर को मैंने कर दिया ओपन, तो करंट फ्लो होगा, नहीं। करंट कितना है, जीरो। करंट जीरो का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। तो एक चीज समझ लो, जहां से करंट फ्लो होता ही नहीं है ना, वहां पे हम अज्यूम करते हैं रेजिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी है। और जहां से करंट वेरी हाई फ्लो होता है, क्या अज्यूम करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो इफ यू सी द डायग्राम अगेन, तो आपको सी डायग्राम में ऐसा दिखेगा, क्या दिखता है सी डायग्राम में, ये ओपन दिख रहा है, हाँ, क्योंकि ये क्या था, रिवर्स बायस था। तो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस इज लाइक स्विच ऑन, मतलब रेजिस्टेंस इज जीरो, किसका जीरो, रेजिस्टेंस डायोड का, राइट। और रिवर्स बायस इज लाइक स्विच ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, किसका, डायोड का। अब हुआ क्या, उससे आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो किसमें, ए और बी पॉइंट में। कब फाइंड करो, जब डायोड फॉरवर्ड बायस था और जब डायोड रिवर्स बायस था। अब हुआ क्या, पहले हम फॉरवर्ड बायस का देख लेते हैं, तो वी विल फर्स्ट सी फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में, इन केस नंबर वन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के केस में करंट वेरी हाई था, तो ये सर्किट मतलब डायोड इज लाइक स्विच ऑन, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। कंप्लीट होना मतलब ये ऊपर का रेजिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं आर वन, 30 ओम है, और ये नीचे का रेजिस्टेंस मतलब आर टू, ये भी 30 ओम है, दोनों के दोनों सर्किट में है, बोथ आर इन द सर्किट, बराबर, क्लियर है तक। लेकिन लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस करने का मतलब क्या था, रिवर्स बायस करने का मतलब क्या था, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स बायस। अरे अभी तो बताया मैंने रिवर्स बायस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स बायस, डायोड इज थ्रोन आउट ऑफ द सर्किट, मतलब वायर ब्रेक जैसा कंडीशन है। अगर वायर ब्रेक जैसा कंडीशन है तो जो आर वन है वो सर्किट में ही नहीं है, क्योंकि वायर क्या हो गया, ये ओपन हो गया, इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो सर्किट में सिर्फ कौन है, आर वन आर टू में से सर्किट में कौन है, आर टू। यहाँ पे सर्किट में कौन है, दोनों है, वहां पे कौन है, आर टू, यहाँ पे कौन है, दोनों है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट का कितना होगा, एक ही होगा, कितना होगा, 30 होगा, क्यों, क्योंकि आर वन तो सर्किट में ही नहीं है, तो कितना आ गया, 30 ओम। लेकिन यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में है क्या, यस। और कैसे है, ये पैरेलल है कि सीरीज है,
तो अब आप आगे सीखोगे, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ही आएगा, आपके पास जब दो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल हो तो दोनों को हटा के अगर सिंगल लगाना है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको? मतलब मुझे दो रेजिस्टेंस नहीं लगाने, एक लगाना है, लेकिन कितना लगाऊं फिर? तो 1/R1 + 1/R2, और 1/R1 कितना है? 1/30। R2 कितना है? 30। तो 1/30 + 1/30 2/30, मतलब कितना? 1/15। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15 ओहम। मतलब मैं 30 30 के 2 लगाने की जगह पे मैं 15 का 1 ही लगा लूंगा। डन, दिस इज व्हाट इट मींस। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो एक चीज याद रखना, फॉरवर्ड बायस मतलब लार्ज करंट मतलब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, मतलब दोनों के दोनों आ गए सर्किट के अंदर, और दोनों कैसे आए? पैरेलल में आए। तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हो? 1/R1 + 1/R2। तो 1/30 + 1/30 = 2/30, 1/15 रेसिप्रोकल ले लोगे तो 15 ओहम। और ये रिवर्स बायस था, मतलब ये ओपन है, वायर खुला रह गया तो रेजिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ से तो करंट पास ही नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो ये R1 सर्किट के बाहर गया, सर्किट के बाहर गया, तो सर्किट के अंदर कौन है? सिर्फ R2 है। तो जब है ही एक रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट कितना है? 30। डन, गुड, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर।